दिन हंगामेदार रहा। वहीं कांग्रेस विधायक गोविंद सिंह कुंजवाल के नेतृत्व में कांग्रेसी विधायक हरिप्रसाद टमटा शिल्पकला केंद्र के कार्य को रोकने के मामले को लेकर कांग्रेसी धरने पर बैठ गए। गोविंद सिंह कुंजवाल का कहना है कि 3 साल में सरकार के निर्माण के लिए कुछ नहीं किया गया। वहीं विधायक कुंजवाल का कहना है कि धौला देवी विकास खंड के गुरुडाबांश में 1 अरब रुपए की लागत से बन रहा हरिप्रसाद टमटा शिल्प उन्नयन संस्थान सरकार को उत्तराखंड की परंपरागत शिल्प कला के उत्थान और सुदृढ़ीकरण के साथ ही परीक्षण कार्यक्रम संचालित करना है ताकि राज्य की लुप्त होती शिल्प कला और अगली पीढ़ी के माध्यम से सुदृढ़ किया जा सके और रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी हो। अल्मोड़े का फूड प्रोसेसिंग सेंटर है जिससे किसानों का हित होने वाला है, किसानों को लाभ मिलने वाला था, उसको रोक दिया गया है। इस हरिप्रसाद टमटा बारे में शिल्प उन्नयन संस्थान में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लोगों को 10,000 लोगों को रोजगार मिलने की योजना थी और जिसको इन्होंने राजनीति की भेंट चढ़ाने की कोशिश की है, इस पर हमारा जबरदस्त विरोध है। और जब तक इस तरह का भेदभाव प्रदेश में रहेगा तब तक निश्चित रूप से हम लोग इसका विरोध करेंगे, आंदोलन करेंगे, जनता को साथ लेंगे और सरकार को ये समझाने की कोशिश करेंगे कि इस तरह की भेदभाव की राजनीति जो है प्रदेश के विकास को रोकने का काम करें।